आज हम बहुत ही पवित्र स्थान पर हैं, तो हम सभी को रूपांका बोला जाता है। रूपांका का मतलब है हम रूप गोस्वामी अनुयायी हैं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रचार प्रसार किया था। 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु मायापुर धाम में प्रकट हुए थे और उन्होंने इसका प्रचार किया था। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के बाद उनके 6 प्रमुख शिष्य हैं जिनको हम गोस्वामी बोलते हैं, षड़ गोस्वामी। तो उन्होंने उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको प्रचार प्रसार किया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को वृंदावन में भेजा था 3 मुख्य कार्यों के लिए। तो उन्होंने इनको आदेश दिया था कि एक तो काम है कि आपको मंदिरों की स्थापना करनी है, मंदिरों का स्थापना करनी है। और दूसरा है क्योंकि जब श्री भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कितने साल पहले आए थे, 5000 वर्ष पूर्व। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले इधर थे तो तब कोई भी भगवान कृष्ण की जो जन्म जहाँ पे भगवान ने लीला की है वो सब एकदम लुप्त हो चुके थे। लोगों को पता नहीं था कि कहाँ पे राधा कुंड है, कहाँ पे श्याम कुंड है, कहाँ पे भगवान ने कौन सी लीला की है, तो लोगों को पता ही नहीं था। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जो शिष्य हैं उनको आदेश दिया था कि आप जाइए और जो भगवान कृष्ण की जो लुप्त जन्म लीला स्थली है उनका पुनर्स्थापित करिए। तो अगर आप 500 साल पहले अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको पता चलता है यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं है कि कहाँ पे राधा कुंड है, कहाँ पे श्याम कुंड है। तो अगर हम आज अपनी आंखों से अगर राधा कुंड, श्याम कुंड या अनेक अनेक लीला स्थलियों के दर्शन कर पा रहे हैं तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु के देन है। नहीं तो हमको तो इसीलिए बोलते हैं कि गौर ना हो तो तवे की हो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको आज हम जो ये वृंदावन देख पा रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु और श्री प्रभुपाद जी के देन है। ऐसा बताते हैं कि 70 साल पहले जब श्री प्रभुपाद जी के आने से पहले यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था, सब लोग एकदम जंगल था, किसी को कुछ पता नहीं है, कोई भी विदेशी की बात क्या भारतीय लोग नहीं आते थे। लेकिन जब से श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे आए इन्होंने स्कॉन की स्थापना किया और उनके बहुत सारे शिष्य आए, तो तब से देखो आज कितना हम कार्तिक में आए हैं, कितना रस मिल रहा है उनको देखने के लिए। तो ये सब श्री प्रभुपाद जी के देन है। तो हम बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख्य शिष्यों को यहाँ पर 3 कार्यों के लिए भेजा था। तो एक तो कार्य क्या था कि मंदिरों की स्थापना करनी है, दूसरा काम क्या था कि जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लुप्त लीला स्थली है उनका पुनर्स्थापित करना है, और तीसरा क्या था क्योंकि जो जो वैष्णव सिद्धांत है तो लोगों को पता नहीं है कि वैष्णव सिद्धांत क्या है, तो जो हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है उसके ऊपर उनको क्या करना है, शास्त्रों की रचना करनी है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे 6 जो गोस्वामी हैं उन्होंने विभिन्न विभिन्न शास्त्रों की रचना की है। जैसे कि रूप गोस्वामी ने कौन से ग्रंथ लिखे हैं, मुख्य ग्रंथ उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, जिनसे हम बहुत शिक्षा लेते हैं। जैसे उपदेशामृत, जो भी इस्कॉन में नया भक्त आता है तो उसको मस्ट रीड बुक कौन सा है, उपदेशामृत, मस्ट रीड बुक है, मतलब पढ़ना ही चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मतलब हमको पता नहीं चलेगा कैसे भक्ति में, जो हमारी भक्ति के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे इस तरह के भक्तों का संग लेना है, सबसे भक्ति का जो इवन राधा कुंड श्याम कुंड के बारे में भी भक्ति रस उपदेश समृत में बताया गया है। और हमको भक्ति करते समय कौन सी चीजें फॉलो करनी है, 64 आर्टिकल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, किस किस तरह के अपराध बन सकते हैं हमसे, ये सब किसमें बताया गया है, भक्ति रसामृत सिंधु में। तो ये प्रभुपाद जी बताया करते थे कि नेक्टर ऑफ डिवोशन इज अ लॉ बुक फॉर इस्कॉन। तो हम सबको जब हम इस्कॉन में हैं तो हमको सबको इस नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ना ही चाहिए और शुरुआत में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहिए। तो ये जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और नेक्टर ऑफ डिवोशन बुक है ये किसने रचित की है, रूप गोस्वामी पाद ने। और उसी तरीके से सनातन गोस्वामी ने भी बहुत सारा पुस्तकों का शास्त्रों की रचना की है। तो 6 गोस्वामियों से सबसे वरिष्ठ थे उनका नाम था सनातन गोस्वामी, हालांकि लीडर माने जाते थे रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई हैं। तो रूप गोस्वामी हैं उनका नाम था दबीर खास और सनातन गोस्वामी था उनका नाम था साकर मलिक। तो ये एक मुसलमान परिवार तो सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए थे, पर किसी परिस्थिति के कारण, वो हम चर्चा अलग कर सकते हैं कि क्यों क्या परिस्थिति हुई, पर किसी परिस्थिति के कारण उन्होंने मुसलमानों के अंदर नौकरी करते थे। उस समय पर ऐसा माना जाता था कि कोई भी मुसलमानों के अंतर्गत अगर नौकरी कर रहा है तो वो मुसलमान ही माना गया, तो इसलिए उनका नाम ही चेंज कर दिया गया, रूप गोस्वामी का नाम दबीर खास और सनातन गोस्वामी का नाम साकर मलिक। तो जब वहां पे वो ये था कहाँ पे, नडिया डिस्ट्रिक्ट में ये यहाँ पे नौकरी करते थे। तो जब एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जब
वृंदावन जाने का प्रयास कर रहे थे तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनको राम के लिए मिलने आए थे, तो तभी से वो एकदम चाह रहे थे कि हम तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दें, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया। तो फिर क्योंकि उनको उनको ये जो नवाब हुसैन शाह था जो वहां का एक गवर्नर हुआ करता था बंगाल का, तो उसने बहुत ही आतंक मचाया था और बोल रहा था कि अगर तुम मेरे अंदर नौकरी नहीं करेंगे तो मैं सारे वैष्णवों की हत्या कर दूंगा। तो इसकी वार्निंग के चलते सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को जबरदस्ती नौकरी करना पड़ रहा था। तो क्यों उसको जबरदस्ती करवा रहा था वो, क्योंकि उनको पता था कि दीज आर द बेस्ट पीपल। किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनको बताया था कि ये जो लोग हैं सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, ये तुम्हारे राज्य को बहुत ही मतलब समृद्ध बना सकते हैं। तो इसी के लिए, क्योंकि अगर सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी उनके अंदर थे एक प्रधानमंत्री की तरह और एक वित्त एक गृह मंत्री की तरह, तो वो उसको कोई चिंता ही नहीं रहती थी नवाब हुसैन शाह को, वो ऐसे ही घूमता रहता था। लेकिन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का मन भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में था। तो जब वो राम के लिए मिले तभी से वो चाह रहे थे कि कैसे भी हम यहाँ से भागें और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पित करें। तो जब ऐसा हो रहा था तो रूप गोस्वामी तो जैसे तैसे वहां से भागे और हम जानते हैं कि बनारस में जाके उन्होंने दस दिन तक श्री चैतन्य महाप्रभु से उपदेश प्राप्त किया। और फिर जैसे तैसे सनातन गोस्वामी चाहते थे कि वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में जाएं, लेकिन उन्होंने कैसे भी बहाना बनाकर मैं बीमार हूं तो वो नहीं गए नौकरी करने, तो फिर उनको जेल में बंद कर दिया। तो सनातन गोस्वामी को जेल में बंद कर दिया, तो जेलर को उन्होंने कुछ तरह के क्या बोलते हैं ब्राइब दे के वहां से वो रिहा हुए और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु को वो प्रयागराज में मिले और वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको दो महीने लगातार उपदेश दिए। तो हम जानते हैं कि ये जो उपदेश दिए हैं सनातन गोस्वामी को रूप गोस्वामी को, उन्हीं के चलते इन दोनों गोस्वामियों ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। तो हमारे जीवन में जब हम गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में है तो हमारे जीवन में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का बहुत ही महत्व है, क्योंकि उन्हीं के चलते हम कितने शास्त्रों को पढ़ रहे हैं और हम अपने जीवन को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको इन बहुत ही पवित्र स्थान है ये। स्थान पर है सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है यहाँ पे, तो हमको आज उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हालांकि हमारा भाग्य नहीं, हमारा कोई भी पुण्य नहीं है, हमने इतने बुरे बुरे पाप किए हैं, पर किसी प्रभा जी की कृपा से और आचार्यों की कृपा से हम कैसे भी इस स्थल पर आए हैं। तो हमें जैसे उनका भक्ति है वैसा तो हम नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन उनके जो बूंद के बराबर भी अगर भक्ति भगवान के चरण कमलों में अगर आकर्षण हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो इस स्थान पर हम प्रार्थना करेंगे कि आप, क्योंकि भक्त वैष्णव की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, हमारा जो भक्ति में जो प्रगति है वो सब वैष्णव की कृपा पर स्थित आधारित है, हमारा खुद का कोई भी योग्यता ही नहीं है भगवान के पास जाने का। लेकिन हम कैसे जा सकते हैं भगवान के पास, वैष्णव की कृपा से जा सकते हैं। तो ये जैसे शील प्रपा जी की कृपा से और जो सनातन गोस्वामी है रूप गोस्वामी है उनसे हमको प्रार्थना कर रही है, एकाकी हमारा ना ही पाया वाला हरि नाम संकीर्तन है, तो आप कृपा करिए ताकि मुझे भगवान के चरण कमलों में भगवान के नाम में कुछ राग उत्पन्न हो। तो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से, कृपया थोड़ा सा हमारे हरिनाम में कुछ थोड़ा सा राग उत्पन्न हो और जो भगवान का लीला स्थल है वृंदावन धाम उनमें भी हमारा थोड़ा राग उत्पन्न हो, क्योंकि अभी हमारा भौतिक आंखें हैं, हम भौतिक चीजों से देखते हैं कि वृंदावन गंदा है या वैसा है, हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन जब हम ऐसे आचार्यों से प्रार्थना करेंगे तभी हम सही में वृंदावन को देख पाएंगे और तभी हम वृंदावन का जो ब्यूटी है उसको रियली में अप्रिशिएट कर पाएंगे। अभी हम जो देखते हैं वो तो केवल यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे पान का दुकान है, यहाँ पे गुटखा बेच रहे हैं, तो उससे नहीं होगा। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे ऐसे आचार्यों से जो हर समय भगवान की लीलाओं को देख रहे हैं, तो हमारा भी थोड़ा भी एक बूंद के बराबर थोड़ा भी वृंदावन के प्रति राग उत्पन्न होगा। तो इसी के साथ हम अभी राधा दामोदर मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। वहां पर जैसे बताया था हिजबे सीताराम प्रभु ने सुबह में कि शिल प्रपा जी लगातार 6 साल तक वहां पर रहे थे और उन्होंने श्रीमद भागवतम का प्रथम स्कंद की वहां पर कमेंट्री दिया था। तो शिल प्रपा जी हमको पता है कि 1959 में प्रपा जी ने संन्यास लिया था और 1959 से 1966 तक प्रपा जी उधर रहते थे। तो जब
रह रहे थे तो उनके ऐसा बताते हैं कि श्री प्रभुपाद जी हमारे शिष्य को बताते थे कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कभी पंच तत्व उनके सपने में आते थे कि अभी जाओ हम तुमको पूर्ण आशीर्वाद देते हैं कि अभी तुम अमेरिका में जाओ और चैतन्य महाप्रभु की जुवाणी का प्रचार करो। तो पंच तत्व उनके सपने में आते थे और वहां पर हम देखेंगे कि राधा दामोदर मंदिर में जहाँ पर प्रभुपाद जी रहते थे वहां पर एक वो है खिड़की, तो खिड़की से प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी की समाधि को देखा करते थे और वहां पे वो, और ऐसा एक हमने सुना है कुछ लोगों से, हम डिवोटीज बताते हैं कि प्रभुपाद जी रात में जाते थे और रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी की समाधि को झाड़ू लगाते थे और रोते थे। तो एक दिन एक व्यक्ति ने सुना कि ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है रात को, तो जब वो देखा तो वहां पर श्री प्रभुपाद जी झाड़ू लगा रहे हैं और रो रहे हैं कि कब मैं जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी को साकार कर पाऊंगा। और फिर उनको पंच तत्व का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, सनातन जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और फिर उसके बाद श्री प्रभुपाद जी हम जानते हैं कि अमेरिका गए और वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार किया। तो और वहां पे श्री प्रभुपाद जी स्वयं लिखा करते थे, जैसे टिप्पणी लिखते थे और हम आज भी देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी की किचन है वहां पे, उनका वर्णर भी है अभी भी हम देख सकते हैं। तो वहां पे और भी बहुत सारे आचार्य हैं, उनका समाधि स्थल ही है से बहुत सारे आचार्यों का समाधि है उधर। और चार डीटीज हैं उधर, राधा दामोदर, राधा माधव, राधा छैल बिहारी और राधा छैल चिकन और चौथा और है। तो चार डीटीज हैं, चारों डीटीज अलग अलग आचार्यों के हैं। चिकन और एक और है वहां पे लिखा होगा, तो चार डीटीज हैं उधर। और बाजू में ही श्री प्रभुपाद जी के एक प्रभुपाद जी का बैठक है और दूसरा किचन है। तो हम वहां पे जाएंगे और वहां पे भी हम श्री प्रभुपाद जी से प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं कि राधा दामोदर मंदिर इज द मोस्ट सेक्रेट प्लेस, सेंटर ऑफ द एंटायर क्रिएशन। प्रभुपाद जी बोलते थे राधा दामोदर टेम्पल इज द सेंटर ऑफ एंटायर क्रिएशन। तो वो ऑफकोर्स रूप गोस्वामी ने बताया कि राधा कुंड इज द मोस्ट सेक्रेट प्लेस, लेकिन हम इस्कॉन डिवोटीज के लिए राधा दामोदर मंदिर इज द मोस्ट सेक्रेट प्लेस बिकॉज फ्रॉम देयर प्रभुपाद रोट श्रीमद भागवतम एंड वेंट टू अमेरिका। सो फॉर ऑल द इस्कॉन डिवोटीज दैट इज द मोस्ट सेक्रेट प्लेस, सो वी शुड प्रे देयर ऑल्सो टू गेट बिकॉज वट एवर वी हैव देयर इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रभुपाद। सो वी शुड प्रे टू प्रभुपाद दैट वट मिशनरी स्पिरिट यू हैव वी ऑल्सो कैन कैरी लिटिल बिट ऑफ दैट एंड ट्राई टू प्रीच टू द टू पीपल वट एवर वी कैन। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की, श्री सनातन गोस्वामी पाद की, श्री रूप गोस्वामी पाद की।